ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि आपका लीनियर कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर कब होगा, जब आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सपोज यहाँ पे मैं एक्स इंडिपेंडेंट और वाई डिपेंडेंट ले रही हूँ, तो इसके जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं मीन्स डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये जो वाई है इनकी डिग्री आपकी 1 होनी चाहिए। और सेकेंड थिंग क्या होनी चाहिए कि आपका जो ये वाई है इसका इसके डेरिवेटिव्स के साथ में प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे ही दोनों कंडीशन होल्ड होती हैं तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोल देते हैं कि ये आपका लीनियर है। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ही होगा। सिर्फ आपके पास जो हाइएस्ट ऑर्डर यहाँ पे मिलेगा वो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, ओके इसका एक जनरल फॉर्मेट लिखते हैं। तो हमारे पास हाईएस्ट जो ऑर्डर मिलेगा डिवाइड बाय डीएक्स मिलेगा, इसके साथ में सपोज मैं कुछ इस टाइप से एक्स का फंक्शन आ सकता है, फिर आपका वाई इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर भी फर्स्ट हो गया और डिवाइड बाय डीएक्स और वाई दोनों की जो डिग्री है वो भी 1 होगी, तो ये आपकी होगी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये तो एक जनरल फॉर्मेट हो गया एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को लिखने के लिए। इसको हम फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, जो डीवाई बाय डीएक्स इसका कोफिशिएंट 1 बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ए वन ये जो ए नॉट है इससे डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे ए वन एक्स अपॉन में ए नॉट एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स अपॉन में ए नॉट एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियस है कि ए नॉट एक्स आपका नॉन जीरो है क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर जो आपका डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होगा। ओके अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये जो ए वन अपॉन ए नॉट है इसको समथिंग कुछ और नाम दे सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको मैंने सपोज पी एक्स नाम दे दिया है, और ये जो फंक्शन बन गया इसको मैंने कुछ क्यू एक्स नाम दे दिया है। तो अब ये जो आपकी बन गई ये आपका हो गया एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। तो अब हम जो भी सॉल्यूशन करेंगे वो इस फॉर्मेट बेस करेंगे। ठीक है, ओके तो ये तो आपका फॉर्मेट हो गया कि हमें कैसे पहचानेंगे कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो आपकी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो उसका फॉर्मेट ये हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ओके ठीक है हमारे पास ऐसा फॉर्मेट आ गया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कुछ नहीं होता है, ये एक फंक्शन होता है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका एक फंक्शन है एक्स का, केवल एक्स का, इसके साथ वाई नहीं होगा आपका, केवल एक्स का, जो इस इक्वेशन में एक्स को अगर मैं स्टार नाम दूं, तो अगर इस इक्वेशन में हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका इंटीग्रेबल हो जाएगा। इंटीग्रेबल हो जाएगा मतलब, तो हम दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास में इजीली सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, मीन्स जो वाई के साथ में जो आपका एक्स का फंक्शन आ रहा है उसको इंटीग्रेट करके हमें ई की पावर कर देना है, यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद बहुत सिंपल सा काम है, फिर आपका सॉल्यूशन डायरेक्टली आ जाता है, तो सॉल्यूशन आपका हो गया वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट। यही आपका जो होता है सॉल्यूशन होता है किसी भी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, इसको हम और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह हम ये लिख सकते हैं वाई इंटू ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट। ये इसका सोल्यूशन हो गया लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, ओके ये तो हमने फॉर्मेट देख लिया और इसका सॉल्यूशन देख लिया।
अब यहाँ पे हम बेसिकली हमें कहाँ पे दिक्कत होती है कि यहाँ पे ठीक है डीवाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे वाई इंडिपेंडेंट सॉरी वाई डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है, तो ये फॉर्मेट तो हम सबको याद रहता है। बट कई बार क्या होता है कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दे देता है कि वो होगी तो सोल्व आपका इसी मेथड से, बट क्या होता है कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि हमें जो माइंड में रहता है वो वाई एज डिपेंडेंट रहता है और एक्स एज इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये आपका उल्टा फॉर्मेट भी हो सकता है, मीन्स आपका एक्स डिपेंडेंट हो सकता है और वाई इंडिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में आपका जो फॉर्मेट होगा वो किस टाइप से होगा, कुछ नहीं वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई कर दीजिए, तो डीएक्स अपॉन में डीवाई। अब हमें यहाँ पे जो लिनियरिटी देखनी है वो एज ए एक्स डिपेंडेंट देखनी है। ठीक है, तो हमारा जो एक्स का डेरिवेटिव होगा एक्स जो होगा इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, मीन्स यहाँ पे एक्स आ गया। अब लीनियर है तो इनके साथ में हमारा एक्स का प्रोडक्ट आएगा नहीं, इसका मतलब इस एक्स के साथ में कुछ समथिंग फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा और यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई होगा क्योंकि वाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट का काम कर रहा है। तो ये फॉर्मेट हो गया अगर आप एक्स और वाई का जो रोल है वो इंटरचेंज कर देते हैं, मीन्स एक्स को आप बना देते हैं डिपेंडेंट और वाई को इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस केस में भी आपको ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात वही है, बस जो चेंज है वो आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का है। ठीक है, तो अब यहाँ से भी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा अब आपका ई टू द पावर एफ वाई डी वाई हो जाएगा और इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो एक्स इंटू, क्योंकि यहाँ पे हम वाई का सॉल्यूशन निकाल रहे थे, अब यहाँ पे एक्स हमारा डिपेंडेंट है तो एक्स के फॉर्म में सॉल्यूशन निकलेगा, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह आपका कुछ भी हो सकता है, मीन्स यहाँ पे एक्स की जगह कुछ जेड भी दे सकता है, तो डी जेड अपॉन डी वाई, तो यहाँ पे एफ ऑफ वाई आ जाएगा इंटू जेड आ जाएगा। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये तो इसका थ्योरी था, अब इस थ्योरी को हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो हमें कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो सपोज आपके पास में क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2 बाई एक्स। ठीक है, और हम एक बार अपना भी फॉर्मेट लिख लेते हैं ताकि वहां से हमें इजीली वो कर पाएंगे, इक्वेट इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम इक्वेट करें इन दोनों फॉर्म को तो आपका जो पी एक्स है वो हो गया 1 अपॉन में एक्स इंटू लॉग एक्स और जो क्यू एक्स हो गया वो आपका हो गया 2 बाई एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाई डिपेंडेंट और एक्स इंडिपेंडेंट है तो वाई के साथ में जो फंक्शन है आपका पी एक्स हो गया और इक्वल टू में जो फंक्शन है वो आपका क्यू एक्स हो गया। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने देखा था कि ई टू दी पावर पी एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे पी एक्स का जो काम कर रहा है वो 1 बाई एक्स लॉग एक्स कर रहा है डी एक्स। अब यहाँ पे आप इसको सिंपली इंटीग्रेशन करना है तो आप 1 बाई एक्स को समथिंग कुछ टी मानेंगे या फिर लॉग एक्स को मानेंगे, तो यहाँ से आप सम ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो लॉग ऑफ लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकले, अब इसके बाद में हमें जो सॉल्यूशन देखा था उसमें आपको पुट कर देना है, तो हमारा सॉल्यूशन था वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो और इसको और आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका सिंपल लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आ गया लॉग एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो आपका लॉग एक्स है प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको अगर फाइंड आउट करेंगे लॉग एक्स और इक्वल टू आपका हो जाएगा लॉग एक्स की स्क्वेयर और प्लस समथिंग कांस्टेंट, या तो यहीं पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉग एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका लॉग एक्स हो जाएगा प्लस सी बाई लॉग एक्स। ठीक है, ये आपका इस गिवन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। तो इसमें जस्ट सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, आपको पहचानना है कि यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मेट क्या होगा, फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और उसके बाद में सॉल्यूशन में पुट कर देना जो हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेट होता है, राइट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारा थ्योरी। तो आपका क्वेश्चन है
वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से सिंपल हम देख सकते हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स है इसके साथ में एक्स और वाई दोनों का ही कोफिशियंट आ रहा है और वन प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, वाई की पावर टू आ रहा है, तो यहाँ पे वाई में तो ये लीनियर नहीं है। अगर हम वाई को एज ए डिपेंडेंट ट्रीट करें तो उसमें तो लीनियरिटी नहीं यहाँ पे होल्ड होगी। तो क्या हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मीन्स एक्स को हम एज ए डिपेंडेंट चेंज कर दें और वाई को एज ए इनडिपेंडेंट। तो इसका मतलब हमें निकालना होगा डी एक्स अपॉन में डी वाई। तो यहाँ से एक चीज आप देख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया वन प्लस वाई स्क्वेयर ओके माइनस टाइम्स अपॉन में एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो यहां से डी एक्स अपॉन डी वाई आपका हो जाएगा टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स, इस एक्स को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वेयर। और इसको हम लोग कर सकते हैं टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है। तो अब अगर इसको आप इधर ले आए, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आपका हो गया टेन इनवर्स वाई अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वेयर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ये जो चीज है आपका, तो ये आपका डी एक्स अपॉन में डी वाई आएगा, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक था। तो यहाँ पे एक्स डिपेंडेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लीनियर हो गया और डिग्री वन आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर भी है। सो यहाँ पे आपका फॉर्मेट क्या बन गया, डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस समथिंग फंक्शन ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल टू कुछ आप यहाँ पे पी ऑफ वाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेट करेंगे हम लोग, तो आपका जो क्यू वाई आ गया वो आ गया वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेयर, और पी ऑफ वाई आ गया टेन इनवर्स वाई अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वेयर। अब आपको नेक्स्ट काम करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ई टू द पावर जो एक्स के साथ में जो फंक्शन होता है वाई का उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये वन प्लस वाई स्क्वेयर हो गया डी वाई। तो ये आपका टेन इनवर्स वाई का इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ से हमने लिख दिया डी वाई। ठीक है, ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में पुट कर देना है जो हमने सॉल्यूशन देखा था कि इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। सो आपका यहाँ पे एक्स, क्योंकि एक्स आपका डिपेंडेंट का काम कर रहा है, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये आपका हो गया टेन इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई, तो पी वाई आपका हो गया टेन इनवर्स वाई अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई प्लस में कॉन्स्टेंट समथिंग। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा आपका वो आएगा एक्स इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस वन इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप टेन इनवर्स वाई को कुछ जेड या इस टाइप से मानेंगे तो जेड इंटू ई टू द पावर जेड फॉर्मेट बन जाएगा, और वहां से आप यू इंटू यू वाला मेथड लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इसमें दोनों ही मेथड को ध्यान में रखना है। कई बार आपको सीधे सीधे दिख जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स वाला फॉर्मेट हो रहा है, मीन्स वाई एज ए डिपेंडेंट वाला, बट कई बार क्या होता है कि हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमें इस फॉर्मेट में लेके आना होता है। ठीक है, तो ये अच्छे से चेक करना होगा आपको कि कौन सा यहाँ पे मेथड यूज होगा। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट जो इसके आगे आता है वो आता है आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो अभी सॉल्यूशंस देख रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और हमने प्रीवियस ईयर लेक्चर में
देखा था कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो हमारा होता है डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और इसका एक और फॉर्मेट मैंने वहां पे बताया था कि इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी वाई इक्वल टू जीरो, ये भी एक फॉर्मेट था। तो अभी हम जो काम करेंगे वो इस वाले फॉर्मेट के साथ में करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट है एक जनरल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कब बोलेंगे कि ये आपका एग्जैक्ट है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट है तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और अगर एग्जैक्ट नहीं है तब क्या प्रोसीजर होगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसकी एग्जैक्टनेस, कब इसको एग्जैक्ट बोलेंगे। तो एग्जैक्ट होने के लिए इसको मैं कुछ स्टार नाम दे दी हूँ, तो स्टार इज एग्जैक्ट इफ ये जो एम है इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव करिए इसका वाई के रिस्पेक्ट में, और एन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करिए एक्स के रिस्पेक्ट में। मीन्स जो डीएक्स के साथ में जो फंक्शन है उसको हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो वाई के साथ है उसको एक्स के साथ में। तो जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो दोनों अगर इक्वल है, मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, अगर ये दोनों इक्वल है तब हम बोलेंगे कि आपको जो गिवन ओडी है वो आपका एग्जैक्ट है, ठीक है। इतना ही चेक करना है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल आप लोग लेना चाहें तो आप देख सकते हैं वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर आप स्टार के साथ कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एम है वो वाई स्क्वेयर है और एन जो है वो टू एक्स वाई है। तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हम डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे जो आपका टू वाई आएगा, और डेल एन अपॉन में डेल एक्स निकालेंगे जो कि आपका टू वाई आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई जो है वो इक्वल टू है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। इसका मतलब है कि जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका एग्जैक्ट है, ठीक है। तो ये तो था हमारा तरीका एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए। अब हमने एग्जैक्ट चेक कर लिया, अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जैसे आपका ये दिया हुआ है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो एम है इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब ये एक्स और वाई का फंक्शन है तो यहाँ पे वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है, ट्रीट वाई एज ए कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू वाई। एन इस एन में हम सिर्फ वही कोफिशियंट लेंगे, वही टर्म्स लेंगे जिसमें एक्स नहीं है, मीन्स ओनली दोज टर्म्स विच डज नॉट कंटेन एक्स, ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको अगर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और ये अगर एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू सी। जहां पे एम का इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे वाई को हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें सिर्फ वो टर्म्स हम लेंगे एन की जिसमें एक्स नहीं है, मीन्स वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सिर्फ वाई वाली टर्म्स हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन होता है। तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपका इस टाइप से है वाई साइन टू एक्स डी एक्स माइनस वन प्लस वाई स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इस स्टार से अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ पे जो आपका एम हो गया वो हो गया वाई साइन टू एक्स, एन हो गया माइनस टाइम वन प्लस वाई स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं, उसके बाद ही हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसका और दूसरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला,
जो कि आपका आया साइन 2x, और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला तो ये आपका आ गया, ये जीरो माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, और कोस का साइन होगा तो प्लस हो गया, ये आपका आ गया साइन 2x, क्योंकि 2 sin x इंटू कोस एक्स को हम साइन 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स जो है वो सेम आ गया है, ठीक है, तो एग्जैक्ट हो गया। तो एग्जैक्ट है तो हम इस जो मेथड है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मेथड के लिए हम m को इंटीग्रेट करेंगे ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, तो ये आपका हो गया y साइन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n। तो इंटीग्रेशन ऑफ n में हमें सिर्फ वो टर्म्स लेने हैं जो x से फ्री हो, तो यहाँ पे cos² x नहीं लेंगे, यहाँ पे आपके -1 प्लस y² यही वाला टर्म आ गया, dy इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट। सिंपली अब आपको इंटीग्रेट कर देना है, तो आपका जो y है ये तो कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसका जो आपका सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा y, और साइन का आपका हो जाएगा cos 2x/2 माइनस टाइम्स, ठीक है, ये आपका इसका हो गया माइनस, इसमें ये तो सिंपल ही है, -y - y³/3 इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट। इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो y cos 2x/2 +y + y³/3, और ये माइनस इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसको कुछ सी डैश हम दूसरा कॉन्स्टेंट नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका सॉल्यूशन हो गया ऑफ द गिवन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको इस फॉर्मेट में दिया होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्जैक्ट चेक करना होगा, उसके लिए आप जो डीएक्स के साथ में है उसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए, और जो डीवाई के साथ में उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो आपका एग्जैक्ट होगा, अगर एग्जैक्ट हो गया तो हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, एम का इंटीग्रेशन डीएक्स के साथ में प्लस एन का डीवाई के साथ में इंटीग्रेशन इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट। तो एम के साथ में हम वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, और वाई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो हम सिर्फ वो टर्म्स लेंगे जो एक्स से फ्री है, ठीक है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।